अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है हिचन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है हिचन न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। सदर द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अज़हा के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। मोहतरमा मुर्मू ने अपने पैगाम में कहा कि मैं तमाम हमवतनों और बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों, खास तौर पर अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। इन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा मोहब्बत, एहसार और कुर्बानी का मुकद्दस त्यौहार है। ये त्यौहार हमें तर्क की राह पर चलने और इंसानियत की बेलौस खिदमत करने की तरगीब देता है। आइए इस मौके पर हम सब मिलकर मुआशरे में बाहमी भाईचारे और बाहमी हम आहंगी को बढ़ाने की राह पर आगे ने का अहद करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स में मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले और 76 तिलाई तमगों समेत 202 तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। वजीर बल्दी नज़्म व नसारी करामराव ने कहा है कि वो आंध्र प्रदेश में सियासी तौर पर सरगर्म होंगे। इन्होंने कहा कि पवन कल्याण, जगन और लोकेश इनके दोस्त हैं। इन्होंने पूछा कि तेलंगाना की मुखालिफत करने वाली शर्मिला को तेलंगाना में वोट मांगने का हक किस तरह हासिल है। मुंबई पुलिस ने एंड्रॉइड सार्फिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया जिन्होंने पिंक व्हाट्सएप डाउनलोड किया है। एक ट्विटर पोस्ट में मुंबई पुलिस ने कहा कि व्हाट्सएप पिंक ए रेड अलर्ट फॉर एंड्रॉइड यूजर्स। इसके साथ एक तस्वीर शेयर की जिसमें अपने आप को स्कैम से बचाने के इकदाम के बारे में बताया गया। तस्वीर में कहा गया है कि न्यू पिंक लिक व्हाट्सएप इजाफी फीचर के साथ व्हाट्सएप सार्फिन के दरमियान गर्दिश कर रही है, जो एक धोखा है जो आपके मोबाइल को नुकसानदार सॉफ्टवेयर के जरिए हैक करने का बायस बन सकता है। जुनूबी मगरबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म है और इसकी हालत मामूल पर है। चारशुमे को रियासत के बाद राहदारी गोटागरियम, खम्मम, कोंडम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, महबूब नगर और नागर कन्नू लजरा में अलग थलग मुकाम पर तूफान या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसमियाती मरकज ने ये इतला दी। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलसाई सौंदर्यराजन ने कहा है कि शहर हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल की हालत इजार तशवीशनाक है। इन्होंने जस्टिस फॉर ओजीएच नामी ट्विटर अकाउंट पर किए गए पोस्ट को रीट्वीट करते हुए इस पर रद्दअमल जाहिर किया और उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के सिलसिले में माजी में रियासती हुकूमत की तरफ से किए गए वादों को पूरा करने की ख्वाहिश की। हॉस्पिटल में मरीजों को दरपेश मसाइल की तस्वीर के साथ नई इमारत की तामीर के लिए जस्टिस फॉर ओजीएच ने ट्वीट किया था, जिसमें कई अफराद को टैग किया गया। कांग्रेस ने चारशुमे को कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे अमेरिका पर झूठ की चमक जैसे ही हटी तो अमेरिका से पुराने ड्रोन की खरीदारी का पर्दा उठ गया और हकीकत सामने आ गई। इसलिए मोदी हुकूमत को अब इस सौदे में शफाफियत के हवाले से जवाब देना चाहिए। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि इज्तिमाई शादियों की तकरीबात का इनेकाद करके माशी तौर पर कमजोर खानदानों को ताकत फराहम करने के अलावा मुख्तलिफ ब्रदरियों, जातों और मजाहब के खानदानों को एकजा करके कसरत में वहदत के जज्बे को पूरा किया जा सकता है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान अपनी दोस्त और हिदायतकार फराह खान की आने वाली फिल्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। शाहरुख खान और फराह खान की दोस्ती इंडस्ट्री में बरसों पुरानी है। फराह खान ने जब साल 2004 में हिदायतकारी के शोबे में कदम रखा तो इन्होंने अपनी पहली फिल्म में कल हो ना हो में शाहरुख खान को कास्ट किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के मुहक्किकीन ने दिमाग और रीढ़ की हड्डी में कैंसर के ट्यूमर का पता लगाने के लिए एक आला तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। ये आला, जिन्हें किलियोब्लास्टोमा मल्टीफॉरम ड्राइव कहा जाता है, ऑनलाइन खरीदी के लिए दस्तियाब है। IITM की तरफ से पीर को जारी करदा एक रिलीज में कहा गया है कि किलियोब्लास्टोमा दिमाग और रीढ़ की हड्डी में तेजी से और जारहाना तौर पर बढ़ने वाला ट्यूमर है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिलें।